हेलो, चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं बेहतरीन शासन। बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है ये, तो पहले देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन फिगर में दिया गया है और बोला है फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन शो दैट पीएम इज इक्वल टू पीएन इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू ए। दैट मीन्स हमें पीएम और पीएन इन दोनों का वैल्यू सेम दिखाना है, दोनों इक्वल दिखाना है और दोनों का वैल्यू दिखाना है रूट थ्री इंटू ए। तो जब आप इन्फॉर्मेशन देखते हो फिगर में, देखिए ध्यान से क्या क्या दिया गया है। हमें पी क्यू का लेंथ दिया गया है, ए पी आर का लेंथ दिया गया है, क्यू आर का लेंथ ए है, दैट मींस ये तीनों इक्वल है, और क्यू एम का भी लेंथ ए है और आर एम का भी लेंथ ए है। दैट मींस यहाँ पे पांच सेगमेंट से जिनका लेंथ हमें एक यूनिट दिया गया है और हमें पीएम और पीएन दोनों का वैल्यू दिखाना है रूट थ्री इंटू ए। अभी दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, एक एक करके देखते हैं। तो चलिए पहले पीएम का लेंथ ढूंढते हैं। तो जब हम देख रहे हैं कि हमें पीएम का लेंथ चाहिए, तो हम बोलोगे ओके पीएम जो है यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल तो दिखेगा, दिख रहा है बिकॉज 90 डिग्री है। तो बोलोगे वो ट्राइंगल पीएसएम है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे पीएम उसका साइड है, हाइपोटेन्यूज है। तो बोलोगे यस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके फाइंड कर, बट उसके लिए आपको दोनों बाकी के दोनों साइड्स के लेंथ की जरूरत है। क्या हमें पीएस पता है? नहीं। क्या हमें एमएस पता है? नहीं। दैट मींस क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं? नहीं। राइट का सो दैट मींस हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। आपको कुछ ही नहीं देता हूं, देखिए ध्यान से। एम क्यू का लेंथ देखिए कितना है, ए। क्यू आर का लेंथ कितना है, ए। तो अब अगर एम क्यू और क्यू आर इक्वल है और देखिए लीनियर भी है, दैट मींस ये जो क्यू है वो एम आर का क्या बन जाएगा। यस, आप सही सोच रहे हो। दैट मींस आप बोल रहे हो दैट क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड एम आर, इज इट। तो चलिए इसे आप रिजल्ट नंबर वन मांग करते हैं जो अभी हमें इंफॉर्मेशन से मिला है। अब इससे फायदा क्या है, जो एम आर है, एम आर क्या ये किसी ट्राइंगल का साइड हो सकता है? यहां बेशक हो सकते हैं इस ट्राइंगल पी एम आर का। अब देखिए इस ट्राइंगल में क्यू जो है एम आर का मिड पॉइंट है, और क्यू को जब हम वर्टेक्स पी से राइट जब ज्वाइन कर रहे हैं तो पी क्यू क्या बन गया। तो अब सही सोचो पी क्यू बन गया मीडियन, बिकॉज हमें पता है मीडियन मतलब सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। तो ये ट्राइंगल में हमारे पास एक मीडियन है, क्योंकि ट्राइंगल में एक मीडियन है तो हमें एक चीज याद आता है, थ्योरम है। क्या है वो? यस अपोलनियस थ्योरम। अब अपोलनियस थ्योरम क्या है, उसका क्या रिजल्ट है, उसे कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें तो आपको पता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो किया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप बोलोगे हाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, और देखिए अगर हम वो अप्लाई करें तो हमें पता है इस ट्राइंगल में ये जो मीडियन है ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, पी। तो हम रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो हम वहां पे क्या लिखते हैं, पीएम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ इक्वल पार्ट्स का स्क्वायर, राइट। तो आप ट्वाइस ऑफ क्यू एम स्क्वायर लिखे या क्यू आर स्क्वायर। अब इसमें से हमें पी आर पता है, मीडियन का लेंथ पता है, इक्वल पार्ट का लेंथ पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पीएम का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड, दैट मींस हम अब अपोलनियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, इन ट्राइंगल पी एम आर सेगमेंट पी क्यू इज अ मीडियन। कहां से पता चला, फ्रॉम वन। तो अगर ये मीडियन है तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एम स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर, कुछ भी लिख दीजिए बिकॉज दोनों का लेंथ सेम है। और इसका रीजन लिखना मत भूलिए, बाय अपोलनियस थ्योरम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, पीएम का लेंथ कितना है नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, तो लिखिए पी एम स्क्वायर। पी आर का लेंथ है ए, तो लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी क्यू स्क्वायर, मतलब वहां पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एम क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स वहां पे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। वेरी गुड। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऐसे ही रखेंगे, राइट हैंड साइड में आपको पता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कितना हो गया, फोर टाइम्स ए स्क्वायर। वेरी गुड, तो लिख देते हैं। अब पी एम स्क्वायर को वही रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ए स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए, तो क्या होगा, मिलेगा फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, व्हाट इज दैट, थ्री टाइम्स ए स्क्वायर, दैट मीन्स हमें मिला है पीएम स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर। वेरी गुड, मिल गया। बट हमें पीएम के लेंथ की जरूरत है, पीएम का स्क्वायर इतना है, तो पीएम कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री ए स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्या है, ऑफ थ्री। स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर क्या है, ए। दैट मीन्स हमें मिलेगा पीएम का लेंथ है रूट थ्री ए, राइट। और वही तो हमें फाइंड करना था, हमें जताना था, बताना था कि रूट थ्री ए है उसका वैल्यू। रीजन क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट, और ये है हमारा रिजल्ट नंबर टू। दैट मीन्स पीएम को हमने बता दिया कि उसका लेंथ है रूट थ्री ए। बड़ा बोलोगे हमें पीएम का लेंथ भी तो वही बताना है। अब मुझे बताइए पीएम के लेंथ भी तो आप सेम करोगे, क्यू आर और आर एम इक्वल है, दैट मीन्स आर इज द मिड पॉइंट, तो हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल पी क्यू एन।
सेम अप्लाई करेंगे और वहां पे हमें PNLN मिलेगा। क्या हमें फिर से कहने की जरूरत है? नहीं, तो हम जस्ट लिख सकते हैं सिमिलरली इसी तरीके से हमें मिलेगा दैट PN की जो वैल्यू है वो भी है √3 into A, दैट इज आवर रिजल्ट नंबर 3। तो अब रिजल्ट नंबर 2 और रिजल्ट नंबर 3 देखिए, क्या हम इससे बोल सकते हैं दैट PM का लेंथ एज वेल एज PN का लेंथ दोनों का लेंथ इक्वल है और दोनों का लेंथ है √3 into A, और इसका रीजन है from 2 and 3। अब मुझे बताइए क्या ये इजी था? बहुत इंटरेस्टिंग था, यानी तो स्टार्ट जो था जो हमने डिस्कस किया वो सोचना जरूरी था कि हम यहाँ पे पीएम जो है वो फाइंड कैसे करें पॉलिनेशियन से, वो जो सोचता वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी आपको बेशक समझा ही होगा, तो इसे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.3 चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, 1.4 के लिए यहाँ क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।